नए साल के पहले दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। कार्यक्रम में 6 राज्यों के मुख्यमंत्री भी हुए शामिल। मौके पर पीएम मोदी ने कहा, 6 राज्यों में 6 प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे। अन्नदाताओं का आंदोलन 37वें दिन भी जारी। सिंघू बॉर्डर पर आज 80 अन्नदाता संगठन लेंगे बैठक में हिस्सा। बैठक में सरकार से अगले दौर की बातचीत और आंदोलन को लेकर रणनीति पर होगी चर्चा। अन्नदाताओं के आंदोलन का अर्थव्यवस्था पर भी दिख रहा है असर। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अनुमान, आंदोलनों की वजह से 70,000 करोड़ रुपए का हो चुका है नुकसान। भारत भी आज महामारी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर ले सकता है बड़ा फैसला। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फाइजर और बायोटेक वैक्सीन को दी मंजूरी। भारत में आज होगी महत्वपूर्ण बैठक। ड्राई रन से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए की गई बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, पहले चरण में वैक्सीन लगाने की तैयारी पूरी। जिन लोगों को पहले वैक्सीन देनी है उनकी लिस्ट तैयार। तृणमूल कांग्रेस का आज 23वां स्थापना दिवस। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कार्यकर्ताओं का किया धन्यवाद। 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी ने बनाई थी तृणमूल कांग्रेस। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म। ममता बनर्जी ने आदिवासी महिला के साथ पकाया खाना। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने बताया ड्रामा। नीतीश को अपने पाले में लाने की तैयारी में जुटे लालू यादव। रांची में बनाई जा रही है सरकार बनाने की रणनीति। लालू का आरजेडी नेताओं को संकेत, नीतीश की जगह बीजेपी की कार्यप्रणाली को बनाए निशाना। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट के विस्तार को लेकर कवायद तेज। 3 जनवरी को हो सकता है शिवराज कैबिनेट का विस्तार। 8 से 10 लोगों को बनाया जा सकता है मंत्री। सिंधिया समर्थक 4 से 5 विधायक बनाए जा सकते हैं मंत्री। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दी नए साल की शुभकामनाएं। बोले, महामारी के नियमों को माने, महामारी का टीका भारत में जल्द होगा उपलब्ध। नए साल पर उत्तर कोरियाई राष्ट्रपति किम जोंग उन का बदला सा अंदाज आया सामने। देश की जनता को खत लिखकर दी शुभकामनाएं, विश्वास व समर्थन के लिए कहा शुक्रिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इमिग्रेशन और वर्क वीजा पर पाबंदियां 31 मार्च 2021 तक बढ़ाई। ट्रंप ने अप्रवासियों यानी इमिग्रेंट्स को मिलने वाले वीजा पर राहत देने से किया इनकार। इंडोनेशिया की सरकार ने एक कट्टरपंथी इस्लामिक ग्रुप को किया गैर कानूनी घोषित। सभी गतिविधियों को किया प्रतिबंधित। सरकार का दावा, इस ग्रुप के सदस्य आपराधिक कार्रवाइयों में शामिल। भारत और चीन के बीच एलएसी पर शांति प्रयास की एक और कोशिश। जल्द हो सकती है कमांडर स्तर की बातचीत। पहले भी 8 बार हो चुकी है बातचीत, लेकिन नहीं निकल पाया था कोई समाधान। एलएसी पर चीनी अतिक्रमण के कारण दोनों देशों के संबंध में आया तनाव। लंदन में इलाज करा रहे नवाज शरीफ का वीजा निरस्त करेगी पाकिस्तान सरकार। नवाज शरीफ का रेड पासपोर्ट फरवरी 2019 में बना था, पासपोर्ट की अवधि हो रही है समाप्त। नवाज शरीफ के पाकिस्तान लौटने पर उठने लगे सवाल। आज 1 जनवरी 2021 से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने वाली कई चीजों में हुआ बदलाव। इनमें फास्टैग, जीएसटी, गैस सिलेंडर, इंश्योरेंस, चेक पेमेंट, कॉलिंग, व्हाट्सएप, गाड़ियों की कीमत भी है शामिल। 1 जनवरी से हो गया है फास्टैग अनिवार्य, लेकिन हाइब्रिड लेन वाले 15 जनवरी तक यूज कर सकते हैं कैश लाइन। फास्टैग लेन में टोल शुल्क का भुगतान सिर्फ फास्टैग से ही होगा। गायत्री मंत्र के साथ अक्षय कुमार ने शुरू किया साल का पहला दिन। फैंस को भी दी शुभकामनाएं। वीडियो शेयर करके अपने फैंस को दिखाया साल 2021 का पहला सूर्योदय। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की करीबी रही रिया की एक साल में बदल गई जिंदगी। फिल्मों में हो रही वापसी की बात, लेकिन रहने के पड़े हैं लाले। और 30 साल बाद पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने बताई 1981 के मेलबोर्न टेस्ट की सच्चाई। अंपायर के फैसले से नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के कमेंट से थे भड़के। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने कहा था, दफा हो जाओ। विवादों में फंस गया था 1981 का भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया मेलबर्न टेस्ट।